मैं हूँ श्रेष्ठा शर्मा और मैं हूँ सीमा शाह, क्लास 7 नवानी जर्स। हम दोनों और हमारी टीम ने मिलकर एक हिंदी का प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है हिंदी के महाकवि। इस प्रोजेक्ट में हमारे हिंदी के सभी महाकवियों से सिर्फ 5 महाकवि के नाम लिखे हैं और चलो शुरू करते हैं। हमारे प्रथम स्थान में है श्री मुंशी प्रेमचंद जो थे 1880 से लेकर 1936 तक। इनके प्रसिद्ध लेख हैं गोदान, कफन, ईदगाह, कूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी आदि। और हमारे दूसरे स्थान पर है श्री सर कवि जो थे 1398 तक 1518 के। इनके प्रसिद्ध लेख थे सुख निधन, कबीर, विजय, होली, आगमन, आगम, वसंत आदि। हमारे तीसरे स्थान पर आते हैं श्री तुलसीदास जो थे 1532 से लेकर 1623 तक। इनके प्रसिद्ध लेख है रामचरितमानस, कृष्णा गीतावादी, कवितावादी आदि। हमारे चौथे स्थान पर है श्रीमती मीराबाई जो थे 1498 तक 1547 तक। इनके प्रसिद्ध लेख थे वर्षी के मायरा, गीत गोविंद का राग, गोविंद रंग सोहन आदि। हमारे पांचवें स्थान पर है श्री राम हरि सिंह देवकर जो थे 1908 से लेकर 1974 तक। इनके प्रसिद्ध लेख हैं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय आदि। तो ये है हमारा हिंदी प्रोजेक्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अर्णव पाटिल। मेरा नाम है अलग घोष और हम दोनों कक्षा 7 में पढ़ते हैं मेघनाथ में। अरे अर्णव, मुझे लिंग क्या होता है पता है? शक्ति जिस रूप से किसी प्राणी अथवा वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहा जाता है। अभी मैं लिंग के भेद बोलूंगा, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले बोध को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़का शेर। स्त्रीलिंग स्त्री जाति बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी आदि। धन्यवाद।